हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के इस वीडियो में हम वांडा विजन के एपिसोड 6 की एंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और एक सवाल है कि वांडा ने लास्ट में जो अपनी बाउंड्रीज थी उसे एक्सटेंड क्यों कर दी, उसे लंबी क्यों बढ़ा दी। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लंबी कर दी है उसने अपनी बाउंड्रीज़ को, और बाउंड्री के बाहर जो भी लोग थे, जैसे कि बहुत सारे लोग थे स्वॉर्ड के, वो अंदर आ गए हैं अब बाउंड्री के, मतलब वांडा के कंट्रोल में आ गए हैं। और बहुत सारी कारें थी वो भी अंदर आ गई हैं, और जो स्वॉर्ड का पूरा बेस कैंप था वो भी पूरा का पूरा अंदर आ गया है। तो ऐसा वांडा ने क्यों किया, उसका जवाब मैं आपको आज देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। अब एपिसोड की शुरुआत होती है हेलोवीन से। हेलोवीन अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि अमेरिका में त्यौहार मनाया जाता है जिस दिन बहुत सारे लोग भूतों का ड्रेस पहनते हैं, मतलब भूत बनते हैं और भी बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। हम देखते हैं कि वांडा ने रेड कलर का एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखा है और विजन ने भी अपना हेलोवीन ड्रेस पहन रखा है। लेकिन हम सुबह सुबह देखते हैं कि विजन कह देता है कि मैं हेलोवीन की पार्टी में नहीं आने वाला क्योंकि मुझे और भी काम है, मेरे बॉस ने बुलाया हुआ है। बाद में हम देखते हैं कि वांडा उसे मिलाने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी विजन नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं कि वांडा अपने बच्चों और अपने भाई पियत्रो के साथ जाती है पार्टी में। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि एक बच्चा वांडा का बहुत फास्ट दौड़ सकता है पियत्रो की तरह, और एक बच्चा है जो बहुत दूर की आवाज़ें सुन सकता है और उसे विजुअलाइज़ कर सकता है। तो इसका काम आगे लगा है एपिसोड में, मैं आपको बताता हूँ। तो वांडा यहाँ पर विजन के बॉस को मिलती है, वो कहती है कि क्या विजन आया है आपके काम पर। तो वो पूछता है नहीं आया, आज तो छुट्टी है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वांडा कहती है नहीं थैंक्स। हम देखते हैं कि विजन पूरे के पूरे वेस्ट में घूम रहा है और लोगों को देख रहा है। यहाँ पर बहुत वियर्ड थिंग होती है कि लोग वहाँ से हिल भी नहीं रहे, मतलब वांडा ने उन्हें कंट्रोल कर रखा है। और एक औरत की आँख से तो आंसू भी आते हैं, मतलब वांडा ने सबको कंट्रोल कर रखा है। और एक ही जगह पर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वही एक्टिविटी करते रहते हैं बहुत दूर के एरिया में। और आगे के एपिसोड में वांडा ने यह भी बताया था कि विजन ने पूछा था कि वेस्ट व्यू में बच्चे क्यों नहीं हैं, तो इस एपिसोड में हम बच्चे भी देख लेते हैं, मतलब वांडा जो चाहे वो वेस्ट व्यू के साथ कर सकती है। हम देखते हैं कि पियत्रो और वांडा एक जगह बैठ के बातें कर रहे होते हैं और उनके दोनों बच्चे घूम रहे होते हैं, मतलब कि जो छोटा बच्चा है उसके पास बहुत फास्ट भागने की एबिलिटी आ गई है इसलिए वो अपने बड़े भाई के साथ घूम रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वांडा और पियत्रो बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसी के बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें में पियत्रो को 3 गोलियाँ लगी हुई है ऐसा दिखाया जाता है। मतलब जैसा कि हमने विजन के साथ भी देखा था उसका माइंड स्टोन निकल गया था, उसी तरीके से ये वाला सीन है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा पियत्रो है वो भी मर चुका है और वांडा उसका भी गलत यूज़ कर रही है। वो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो पियत्रो कहता है कि मैं तो सोया हुआ था और मुझे तुम्हारी आवाज़ आई, मुझे लगा तुम्हें मेरी ज़रूरत है इसलिए मैं दौड़ के आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि विजन घूमते घूमते आगे जा रहा होता है बाउंड्री की तरफ इस वेस्ट व्यू की, तभी उसे एग्नेस दिखती है एक कार में, वो भी पूरी तरीके से वांडा के कंट्रोल में। मुझे दोस्तों इससे ऐसा इस सीन से ऐसा लग रहा है कि जो भी बंदा है बंदी है वेस्ट व्यू के अंदर, वो अगर बाउंड्री के पास जाता है तो उसका इन्फ्लुएंस यानी कि उस वांडा का जो कंट्रोल है उसके ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है, मतलब उसके पास जाने नहीं देती किसी को, उसके बारे में सोचने नहीं देती कि वेस्ट व्यू से निकलना कैसे है। तो वांडा का आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक कंट्रोल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विजन जो है उसके दिमाग पर टच करता है और वो वापस अपने होश में आ जाती है जैसा कि ये वेस्ट व्यू बनने से पहले थी। तो उसे कहती कि तुम एवेंजर्स हो और तुम मुझे बचाने आए हो। तो वो कहता नहीं, मुझे तो ये पता भी नहीं एवेंजर क्या होता है। तो ये इसका हिंट यही है कि पिछले एपिसोड्स में कुछ विजन ने बताया था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है वेस्ट व्यू के पहले का क्योंकि वो मर चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विजन वापस से उसके सिर पर टच करता है और कहता है कि एग्नेस मैं तुम्हें बचा लूँगा, और एग्नेस वापस से वांडा के कंट्रोल में आ जाती है। अब हम इस एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट सीन देखते हैं जिसमें हम देखते हैं विजन जो बाउंड्री है वेस्ट व्यू की उसे चीरता हुआ बाउंड्री के उस तरफ जाना जाता है, और सामने की साइड बहुत सारे स्वॉर्ड के ऑफिसर्स खड़े हैं गन ताने हुए ये देखने के लिए कि विजन यहाँ पर अटैक करने तो नहीं आया। लेकिन हम देखते हैं उल्टा यहाँ पर विजन हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। जैसे ही विजन बाउंड्री के बाहर निकलता है उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो टुकड़े टुकड़े होकर वेस्ट व्यू के अंदर जाने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि विजन वेस्ट व्यू के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता। इसका सीधा सा हिंट ये है कि विजन मर गया है इसलिए वो वेस्ट व्यू के बाहर नहीं जा सकेगा। वेस्ट व्यू के अंदर जिंदा इसलिए है क्योंकि वांडा ने उसे जिंदा बनाए रखा है अपने मैजिक से। अब यहाँ पर हम वांडा के बड़े बेटे की जादुई शक्तियाँ देखते हैं कि वो सुनने लगता है विजन जब जो भी चिल्लाता है हेल्प हेल्प, और ये उसकी काबिलियत है कि वो बहुत दूर की चीज़ें सुन सकता है, उसे देख भी सकता है अपनी आंखें बंद करके। वांडा उसे कहती है कि विजुअलाइज़ करो, तो वो आंखें बंद करता है और देखता है कि वहाँ पर सोल्जर खड़े हैं। तो वांडा को अब यहाँ पर डाउट हो जाता है कि जो सोल्जर हैं स्वॉर्ड वाले वो
उन्होंने ट्राई किया है कि विजन को किसी तरह बाहर निकाला जाए। अब यहाँ पर वांडा का गुस्सा हमें साफ साफ नज़र आता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक सीन में कि पियत्रो कहता है कि तुम्हारा पापा तो पहले से मर चुका है, तो दोबारा कैसे मरेगा। तो वांडा उसे एक मारती है हाथ से शॉट, क्या कहूँ, वो हाथ में उसके जो पावर होती है जादू, उससे धक्का देती है और दूर जाके वो गिर जाता है। यहाँ पर हम वांडा की आँखें देखते हैं एकदम लाल है और वो बाउंड्री को एकदम घसीटे जा रही है। और यहाँ पर सॉर्ड के जो ऑफिसर है हेडाइन, वो कार में भागे जा रहा है। इसी तरह से वांडा ने बहुत बड़ी कर ली अपनी बाउंड्री को वेस्ट व्यू की, और बहुत सारे बंदे बंदियों को वेस्ट व्यू के अंदर ले लिया और अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, अपने काबू में ले लिया दिमाग के। तो ये एपिसोड तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बहुत सारा धांसू था, और मुझे एपिसोड 7 का बहुत ज़्यादा इंतजार है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।